9000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन डिफॉल्ट मामले में भगोड़े करार दिए जा चुके विजय माल्या अपनी लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा खबरों में रहे हैं। उनके पास 250 से ज्यादा लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसमें दुनिया भर की एक से एक शानदार कारें शामिल हैं। हाल ही में अपने आर्थिक हालातों को बेहतर बनाने के लिए माल्या ने अपनी कारों के कलेक्शंस में से कुछ कारों को नीलामी के लिए रखा। मौजूदा समय में नीलाम हुई सभी कारों का मालिकाना हक डियाजियो कंपनी के पास है। डियाजियो कंपनी वही कंपनी है जिसने माल्या से यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदा था, साथ ही डियाजियो ने ही कारों की नीलामी का आयोजन किया था। विजय माल्या की ये सभी कारें ई ऑक्शन के जरिए बेची गई। इन कारों को नॉन कोर एसेट्स बेचने की योजना के तहत बेचा गया है। इसके तहत लगभग 40 कारों को बिक्री के लिए रखा गया था। माल्या की इन सभी कारों का रिवर्स प्राइस काफी कम रखा गया था, इस वजह से इन कारों के ऑक्शन प्राइस काफी ऊंचे गए। विजय माल्या की रोल्स रॉयस फैंटम 204 का रिवर्स प्राइस 12 लाख रुपए था और सफल बीडर ने कई राउंड की बिडिंग के बाद इसे 52 लाख रुपए में खरीदा। वहीं विजय माल्या की मसेराती का रिजर्व प्राइस 10 लाख रुपए था, जिसे 44 लाख रुपए में बेचा गया। इसके साथ ही मर्सिडीज बेंच SLS ब्लैक का रिवर्स प्राइस 5 लाख रुपए था, जो 11.5 लाख रुपए में नीलाम हुई, जबकि मजडा रोस्टडा का रिवर्स प्राइस 4.5 लाख रुपए था, जो कि 5.5 लाख रुपए में बिकी। फोर्ड लिंकन का रिवर्स प्राइस 1 लाख रुपए रखा गया था, जिसे 4,30,000 रुपए में बेचा गया।